डियर ऑल, आज हम रोल ऑफ हेडमास्टर एज ए गाइडेंस पर्सनल के बारे में चर्चा करेंगे। मार्गदर्शक के रूप में प्रधानाध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रधानाध्यापक कौन होते हैं? प्रधानाध्यापक एक स्कूल के या कोई भी इंस्टीट्यूशन के जो मुख्य भूमिका निभाती है उसको हम प्रधान पद पर बिठाते हैं। तो एक प्रधान का पद एक अन्य सहकारी शिक्षक के पद से भिन्न होता है, इसी के लिए उनको कुछ गुरु दायित्व निभाना पड़ता है। एक स्कूल में एकेडमिक वर्क भी होता है और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है, जो एक प्रधानाध्यापक सुचारू रूप से उसको अगर पालन करते हैं तो स्कूल एक अच्छा स्कूल होता है और वो स्कूल से जो भी प्रोडक्ट निकलते हैं वो प्रोडक्ट अपना दिशा निर्देश करने में कहीं पे भी नहीं भटकते हैं, वो अपने मंजिल तक पहुंचने में भी उनको कहीं भी परेशानी नहीं होती है, उनके चरित्र के निर्माण बहुत अच्छे से हो पाता है। वो सारी चीज जितने भी एक बालक के अंदर जो जो विकास होना चाहिए वो सारे के लिए जिम्मेदार प्रधानाध्यापक ही होता है। इसीलिए एक प्रधानाध्यापक का सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए। सबसे पहले वो एक आइडियलिस्टिक होना चाहिए, एक आदर्शवादी शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा एक शिक्षक को अपने जीवन में ज़्यादा फॉलो करता है या अनुसरण करता है, इसलिए उनको आइडियल होना चाहिए। फिर उनको प्रेजेंटेबल होना चाहिए, जब अभी समाज में क्या चल रहा है और समाज के दिशा को देखते हुए वो उनको अपने स्कूल में भी दिशा निर्देश करना पड़ता है और उसको निभाना भी पड़ता है, उसी के लिए उनको दिशा निर्देश करना पड़ता है और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना पड़ता है। कुछ प्रमुख बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। नंबर वन, रोल इन प्लानिंग फॉर द गाइडेंस प्रोग्राम, योजना में भूमिका, ये बहुत अहम भूमिका निभाती है। योजना बनाने के टाइम पे एक प्रधान शिक्षक को बहुत अहम भूमिका निभानी पड़ती है। उसे स्कूल में शिक्षक, विद्यार्थियों, अभिभावक और आम लोगों के सहयोग से कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी पड़ती है। पूरे साल प्लानिंग चलती रहती है, फिर भी वो पूरे साल के प्लानिंग को उन्होंने तीन भाग में बांट रखे हैं। नंबर वन, प्लानिंग बिफोर द सेशन, सेशन शुरू होने से पहले वो प्लानिंग करते हैं, जे वो सभी चीज़ को लेके, समय अनुवर्तिता, नियम अनुवर्तिता, स्कूल में क्या क्या काम होना चाहिए और क्या डिसिप्लिन वर्क क्या होना चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होना चाहिए, स्कूल में क्या प्रोग्राम होना चाहिए, लर्निंग प्रोग्राम क्या होना चाहिए, कौन सा मेथड में टीचिंग देना चाहिए, वो सारी काम उन्होंने बिफोर द सेशन से तय कर लेते हैं। सेशन शुरू होने से 15 डेज बिफोर ये सारी प्रोग्राम या सारी योजना वो बना लेते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग ईयर सेशन स्टार्ट हुआ, सेशन स्टार्ट होने के बाद उन्होंने पहले जो प्रोग्राम पूर्व निर्धारण प्रोग्राम या योजना उन्होंने बनाए थे, अगर अभी के समय के साथ वो तालमेल नहीं बना रहा है तो फिर उनमें उनको कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे आज भी हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, अभी COVID-19 चल रहा है ये हम सबको पता है, उसको देखते हुए उन्होंने जो पुराना योजना बनाए थे उसमें सब बदलाव आ गया, इसलिए उनको ऑफलाइन क्लासरूम को बंद करके ऑनलाइन क्लासरूम चलाना पड़ा। वो ऑनलाइन क्लास चलाना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने ड्यूरिंग ईयर में कैसे अपना सारे उद्देश्य को पूरा करते हुए वो काम को कैसे पूरा कर पाएंगे, इसीलिए एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने दिशा निर्देश किए। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द सेशन, जो जो उद्देश्य को उन्होंने रखे थे वो सारे उद्देश्य उनका पूरा हो पाया या नहीं हो पाया, अगर हो पाया तो क्या मेरिट्स हुआ और नहीं हो पाया तो क्या ड्रॉबैक्स हुआ, उसके ऊपर फिर एक एनालिसिस होता है। फिर उनके बाद नेक्स्ट है उनका रोल इन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग द इंस्ट्रक्शनल वर्क्स। इंस्ट्रक्शनल वर्क्स दोनों टाइप का होता है, पहले है
स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और जनरल ऑब्जेक्टिव्स ये तय किया जाता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या रहना चाहिए, जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहना चाहिए, वो अपने सारे टीचर को लेके, सारे सहकर्मियों को लेके वो चीज को तय करते हैं और उसके लिए दिशा निर्देश करते हैं। फिर सहपाठ्यचर्य गतिविधियां आयोजित करना या ऑर्गेनाइजिंग द को करिकुलर एक्टिविटीज। द होल सिलेबस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक करिकुलर वर्क्स, नंबर टू को करिकुलर एक्टिविटीज। तो को करिकुलर एक्टिविटीज कब कब होना है और कैसे होना है, उसके लिए कितना बजट एलोकेशन होना है और उसका गुरुदायित्व किसको देना है और कौन उसमें पार्ट भाग ले रहे हैं और कैसे उसको कर रहे हैं, वो चीज का दिशा निर्देश या उसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस देते हैं। स्कूल प्लांट का आयोजन या ऑर्गेनाइजिंग द स्कूल प्लांट। स्कूल प्लांट में स्कूल का सारी चीज आता है, स्कूल बिल्डिंग, स्कूल रूम्स, लाइब्रेरी, लैबोरेटरी, लैबोरेटरीज, ये सारी चीज आता है। शौचालय जिसको हम लैबोरेटरीज कहते हैं और लैबोरेटरी, साइंस लैबोरेटरी हो गया, कंप्यूटर लैबोरेटरी हो गया, सोशल साइंस क्लब हुआ या सोशल साइंस, जितने भी स्कूल में जितने सारे चीज होता है, टीचिंग एड्स क्या है, वो कहाँ रखा जाएगा, उसका स्कूल का सुंदरता को कैसे बनाए रखेंगे, उसमें शिक्षक का और शिष्य का क्या भूमिका रहेगा, वो सारे दिशा निर्देश भी प्रधान शिक्षक ही करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में और एक आता है, स्कूल कार्यालय का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग द स्कूल ऑफिस। स्कूल का एक ऑफिस भी होता है और स्कूल ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी भी रहते हैं, उनमें सबसे पहले बड़ा बाबू रहते हैं। बड़ा बाबू का काम देना और बड़ा बाबू से काम लेना, बड़ा बाबू के लिए आदेश देना और वो आदेश का अनुपालन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज स्कूल का ऑफिस ऑर्गेनाइज करता है, जिसको गाइड करते हैं कौन ना, प्रधान अध्यापक। इसके बाद है रोल इन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। स्कूल में टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन ये बहुत मायने रखता है, शिक्षण कार्य कैसे चलना चाहिए और शिक्षण कार्य को कौन करेगा, कहाँ करेगा, कौन से बिंदुओं पर करेगा और वो सारे बिंदुओं को वो ठीक से ध्यान दे के सुचारू रूप से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है, बच्चे उसको अनुसरण या अनुपालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको भी देखने का काम प्रधान शिक्षक का होता है। रोल इन मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। एक स्कूल में प्रधान शिक्षक का काम केवल कक्षा के अंदर बैठने से नहीं हो पाएगा, उनको स्कूल के हर जगह पर हर काम को देखरेख करना पड़ता है, उसे निर्देशात्मक कार्य की निगरानी करनी चाहिए। प्रधान अध्यापक को स्कूल के ऑफिस से लेके स्कूल के मैदान, स्कूल के हर कक्षा, आर्ट रूम, लाइब्रेरी, वर्कशॉप आदि में चल रही गतिविधियों को देखने के साथ साथ उसमें क्या सुधार होना चाहिए उसके लिए भी सजेशन देना चाहिए और वो सजेशन भी देते हैं। नेक्स्ट है एक मार्गदर्शक के रूप में उनका गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या रोल होना चाहिए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है ना, परामर्श, मार्गदर्शन और परामर्श में एक प्रधान अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या मार्गदर्शन हो देंगे हम। अभी जो भी हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स था, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और जनरल ऑब्जेक्टिव्स, उन्होंने जब योजना बनाने के टाइम पे रखे, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स उनका फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बीच बीच में उसका अनुसंधान या अनुध्यान करते हैं और उसके लिए उन्होंने गाइडेंस और काउंसलिंग देते। वही गाइडेंस एंड काउंसलिंग में परामर्श, मार्गदर्शन और परामर्श के भूमिका में भी उन्होंने प्लेसमेंट सेल भी खोल सकते हैं और गाइडेंस सर्विसेज भी दे सकते हैं और उसके लिए अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग शिक्षकों का और कम्युनिटी मेंबर्स का, चाहे पेरेंट्स का चाहे स्टूडेंट्स का भी नियोजन वो कर सकते हैं। उसके बाद रोल इन मेंटेनिंग रिलेशंस, संबंध बनाए रखने में भूमिका।
एक प्रधानाध्यापक को केवल योजना बनाने में या योजना को ऑर्गेनाइज करने में काम नहीं चलेगा, उनको संबंध भी बनाए रखना पड़ता है। वो सारे चीज को सुचारू रूप से करने के लिए और सारे बिंदुओं को अचीव करने के लिए उनको हर एक के साथ संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी है। संबंध बनाने में कौन कौन है, ना शिक्षक है, उनके जो असिस्टेंट टीचर्स है उनके साथ, ऑफिशियल स्टाफ से उनके साथ, स्टूडेंट्स से उनके साथ, पेरेंट्स से उनके साथ, कम्युनिटी मेंबर्स से उनके साथ। अगर ये उनके साथ तालमेल बना के ना चले, उनका योजना में रखे गए सारे उद्देश्यों को पूर्ण करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक प्रधानाध्यापक को इसके पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो वो सबके साथ कैसे अच्छा संबंध बनाए रखे। अपने स्टाफ को मानो वो कोई काम दे रहे हैं, देने के टाइम पे उनको पोलाइटली फ्रेंडली बिहेवियर में देना चाहिए। जब वो उसी तरह से देंगे कोई भी अच्छे से वो काम कर लेगा। और अगर वो अपना पावर का मिस यूटिलाइज करे तो होने वाला काम भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सामान्य प्रशासन में भूमिका या रोल इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एज ए गाइडेंस पर्सनल। स्कूल के प्रमुख के रूप में हेडमास्टर स्कूल में किए गए सारे काम के लिए जिम्मेदार रहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो काम जिस समय में होना चाहिए और वो काम का प्रमुख बिंदु क्या था, वो सही ढंग से सुचारू रूप से अनुपालन हुआ या नहीं हुआ, उसको देखने का काम, उसको तदारक करने के काम भी एक प्रधानाध्यापक के ऊपर निर्भर करता है। शिक्षक और शिष्य सारे आदेश का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, समय अनुवर्तिता, नियमानुवर्तिता, ये दोनों चीज अगर शिक्षक और शिष्य सुचारू रूप से पालन नहीं करेंगे तो उनके कोई भी बिंदुओं को फुलफिल करना संभव नहीं है। सारांश, आज हम एक प्रधानाध्यापक को एक मार्गदर्शक के रूप में क्या क्या सहायता प्रदान करनी चाहिए उसके ऊपर हम चर्चा किए। उसमें हमने सबसे पहले योजना में उनका भूमिका क्या होनी चाहिए, योजना बनाने के टाइम पे उनको क्या क्या मार्गदर्शी देना चाहिए, और एक विद्यालय के संगठन में उनकी रोल क्या है, शिक्षण भूमिका में उनकी क्या भूमिका रह गई, निगरानी और पर्यवेक्षण में क्या भूमिका रही, मार्गदर्शन और परामर्श में क्या भूमिका रही, संबंध बनाए रखने में उनका भूमिका कितना महत्वपूर्ण, सामान्य प्रशासन में उनका भूमिका क्या हुई, उसके बारे में चर्चा करें। अगर आप में से कोई भी एक आदर्श प्रधानाध्यापक बनने के लिए चाहते हैं तो ये जितने भी बिंदु हैं ये सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप जरूर एक आदर्श और प्रेजेंटेबल और रियलिस्टिक हेडमास्टर बन सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।